म्यूजिक ओके। तो दोस्तों आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है फिर से एक होली सॉन्ग का डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों ने हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई इस सॉन्ग पर डीजे स्टेटस लाओ, तो फाइनली तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है आपके कमेंट के ऊपर डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का डीजे स्टेटस वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग कमेंट्स में मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अपने जो भी प्रीव्यू स्टेटस को देखा है, तो दोस्तों ऐसे स्टेटस को क्रिएट करना बहुत ही इजी एंड आसान होता है। तो दोस्तों ऐसे स्टेटस को बनाने के लिए आपके एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले अपने फोन के अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सो दोस्तों हमने अपने फोन के अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, एक सॉन्ग बीट मार और दूसरा सेकी फेक। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी, जो कि दोस्तों मैंने क्रिएट करके दे दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी एंड आसान तरीका से स्टेटस को क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करना होगा, आपको यहाँ से एक बार डायरेक्टली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सेकी फेक पर क्लिक कर देना। सेकी फेक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को सिलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करके फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी नाउ लेयर पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों को बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों को सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों को उन सभी लेयर को पेस्ट करना है। तो दोस्तों पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट नाउ लेयर पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों आपको यहाँ पर सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने अपने बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा सभी लेयर अपने अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है, इमेज लिखा है। तो दोस्तों आपको जितने भी इमेज के लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको इन पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों इन पर फोटो को ऐसे ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के लिए आपको इमेज के लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को क्लिक करके यहाँ से अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर फोटो को रखे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपकी सारी फोटो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फोटो शो नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों को फोटो को शो करने के लिए इमेज क्लियर पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग्स पे आना, इसके सैचुरेशन को 100 कर देना और नॉर्मल पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट इमेज क्लियर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार को क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपकी फोटो शो नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों फोटो को शो करने के लिए फिर से वही सेम प्रोसेस करना, इमेज क्लियर पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग्स पे आना, इसके सैचुरेशन को 100 कर देना, नॉर्मल पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो शो हो जाएगी। इसी तरीके से आपको इन तीनों लेयर पर कर लेना जैसे जैसे मैंने बताया। तो दोस्तों आपको उसी तरीके से फोटो को ऐड कर लेना। और दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे वीडियो स्टेटस में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कमिंग सून दिखाई दे रहा होगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों आपको इन सारे टेक्स्ट को शो करने के लिए आपको नीचे की इमेज के कमिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग्स पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके सैचुरेशन को 100 कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो भी लिखा रहेगा टेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सून पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग्स पे आना, इसके सैचुरेशन को 100 कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर के एक वन मार्च पर आना है। इसके बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग्स पे आना है, इसके सैचुरेशन को 100 कर देना है। फिर से आपको टू मार्च पर आना है। इसके बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग्स पर क्लिक करना है, सैचुरेशन को 100 कर देना है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके सारे टेक्स्ट लिरिक्स को शो कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो डीजे स्टेटस वीडियो है बन के रेडी हो जाएगा इजिली, बहुत ही आसान तरीका से। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने आपका डीजे स्टेटस क्रिएट करके दिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस डीजे स्टेटस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को होली डीजे स्टेटस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।